हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोक्टिव के दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ डिराइव्ड फ्रैक्शन के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन, और उसमें हमने कुछ फ्रैक्शंस की बात करी थी। अब उन्हीं में से कुछ हम डिराइव फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और ये परसेंटेज कन्वर्जन देखिए, आप चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, रेशियो हो, ये सभी में ये सारे परसेंटेज कन्वर्जन जो फ्रैक्शन का होता है ये सभी उसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैसे आप इन डिराइव फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर देखिए, 2/3, 2/5, 3/5, 4/5, तो ये 1/5 के डिराइव फ्रैक्शन हो गए। 1/3 का 2/3 हो गया, 1/5 का डिराइव फ्रैक्शन 2/3, 1/5। तो देखिए इनको हम कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे 1/3 का क्या होता है, 1/3 का होता है, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया है, तो आप उसको याद भी कर सकते हैं, इनको आप याद ही कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर न्यूमरेटर 1 है और डिनोमेटर कोई नंबर, तो सीधे 100 को उसी नंबर से डिवाइड करिए, वो हो जाता है परसेंटेज कन्वर्जन। तो यहाँ पे जो इसका परसेंटेज में वैल्यू है 1/33 to 1/3% होता है। अब हमें 2/3 करना है, तो इसमें देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इधर हम लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 3 6, और ये 2/3, ये आ जाएगा 2/3 का परसेंटेज कन्वर्जन। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे है 2/5 कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे हमें पता है क्या 1/5 कितना परसेंट होता है, 1/5 20% होता है। अगर हमें फाइंड आउट करना है 2/5 कैसे करेंगे, तो आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1/5 अगर 20% है, तो इसी में हमें 2/5 फाइंड आउट करना है, तो सिर्फ हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा 40%। अब 40% को अगर हम फ्रैक्शन में बताएं तो वो 2/5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 3/5। इसमें आपको बार बार 100 से मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें इसको हम 3 से, और यहाँ पे 1/5 कितना परसेंट होता है, 1/5 होता है 20%, तो ये हो जाएगा 3/5 60% के इक्वल हो जाएगा। अब हमें बार बार 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 4/5 की बात करें, 4/5, तो 4 × 1/5 कितना परसेंट होता है, 20%, तो ये कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। ओके, इनका यूज आप देखेंगे क्वेश्चनों में, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इन सभी का यूज होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है, नेक्स्ट फ्रैक्शन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन है यहाँ पे 4/5 हो चुका है, यहाँ पे 3/8 देख लेते हैं। 3/8, अब 1/8 का हमने बताया है, 1/8 अगर न्यूमरेटर 1 है और 12.5%, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12:1/2%। ओके, अब हमें इसको फाइंड आउट करना है 3/8, तो हमें सिंपली क्या करना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12+1/2। ओके, 12 प्लस अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 36%, इधर आ जाएगा 36% प्लस, और यहाँ पे करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, 3/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 36%, और इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे परसेंट है तो यहाँ पे एक बार जाएगा, तो 36 प्लस ये 1+1/2% टोटल यहाँ पे हो जाएगा परसेंट, ये टोटल यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे 36 × 37 = 1/2%, यहाँ पे 36+1 + 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 37 × 1/2%, या इसको हम लिख सकते हैं 37.5%। ओके, ये रहा आपका 3/8 का परसेंटेज में कन्वर्जन। ओके, नेक्स्ट क्या है 5/8 देख लेते हैं। 5/8, तो 1/8 कितना होता है, 12:1/2 होता है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12+1/2, तो 12×5=60 हो जाएगा, और प्लस 5/2,
प्लस 5/2, यहाँ पर परसेंटेज लगाएंगे। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 60 तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, और ये कितनी बार जाएगा, 2 2 4, 2 टाइम्स जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 62:1/2%। तो यहाँ पे 5/8 का जो परसेंटेज में कन्वर्जन है वो क्या होगा, 62:1/2%। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये आपको ध्यान रखना है कि आपको नीचे का 1/8 से आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करते चले जाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, यहाँ पे 6/8 है, नेक्स्ट है 6/8, इसको हम कन्वर्ट, इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा 2 3 जा, ये 3 3/4 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो इसको अगर हम करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं इसको, इंटू 1/4, 1/4 कितना परसेंट होता है, 25% होता है, 1/4 25% होता है, तो 25 3 जा कितना हो जाएगा, 75%। तो जो 6/8 आया है, इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो इसका जो परसेंटेज में कन्वर्जन करेंगे तो वो हो जाएगा 75%। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट यहाँ पे है 7/8 को हम करेंगे क्या, 1/8 अभी हमने बताया 12:1/2, तो हम 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 7, तो ये इतना परसेंटेज होता है। अब यहाँ पे इसको हम करेंगे 82:84 हो जाएगा, प्लस 7/2, टोटल परसेंटेज का साइन लगाएंगे, और ये आ जाएगा नेक्स्ट पे 84 प्लस 7/2, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7/2, ये था परसेंट। यहाँ पे 84 ये कितने टाइम चला जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 1/2, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 87:1/2%। तो ये किसका हो गया, ये हो गया 7/8 का परसेंटेज कन्वर्जन। तो 7/8 का अगर फ्रैक्शन में 7/8 है तो हमें परसेंटेज कन्वर्जन करना है, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 87.5 बोल सकते हैं, या 87:1/2%। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे 1/8 के ड्राइव फ्रैक्शन 3/8, 5/8, 6/8 और 7/8 हो चुका है। यहाँ पे अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है, 2/9। अब देखिए 1/9 हमने बताया है, 1/9 कितना होता है, ये होता है आपका 11:1/9%। अब हमें फाइंड आउट करना है 2/9, तो 2/9 को हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11:2:22:2/9%, ये इसकी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। 2/9 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 22:2:9%। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे 4/9 करेंगे, 4/9, तो 1/9 कितना होता है, 11:1/9%, ये परसेंट है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 × 11 ये हो जाएगा 44:4/9%। नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ आपको 1/9 अगर डिनोमीटर में देखना है, उसके बाद 4 डिनोमीटर से मल्टीप्लाई करते जाना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, 5/9, तो 1/9 कितना होता है, 1/9 11:1/9% इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम 5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 11:55:5/9। अभी यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका जो यहाँ 5 से डिनोमीटर से लेस है, इसलिए इसमें कुछ ऐड नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे 5/9 क्या हो गया, 55:5/9%। ओके,
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 7/9, 7/9। तो 7/9, 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है भाई, 11:1/9 परसेंट इंटू 7 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 77 और इंटू 7/9 परसेंट, ये आपका होगा 7/9। ये सारे डराइव्ड फ्रैक्शन है, ओके। ये अभी हमने इसके पहले बताया 1/8 का, ये है 1/9 का। नेक्स्ट क्या है, 8/9, 8/9, 8/9 परसेंट। इसको ये फ्रैक्शन से इसको हमें इसको हम लिख सकते हैं 8 × 1/9 को क्या लिखेंगे परसेंटेज में, 1/9 को 11:1/9 लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 88:8/9 परसेंट, ओके। ये आपके हो गए 1/9 के डेराइव फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं 2/11, ये 11 के सारे यहाँ पे डेराइव फ्रैक्शन है। चलिए देख लेते 2/11, तो 1/11 पहले हम बात कर लेंगे, 1/11 कितना होगा, 9.09 परसेंट, ये 1/11। तो अगर हमें 2/11 फाइंड आउट करना है तो सिर्फ हमें क्या करना है, इसको हमें, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9:1/11, 9:1/11 भी लिख सकते हो। यहाँ पे अगर हमें 2/11 चाहिए तो ये हो जाएगा 18.18 परसेंट, ओके। ये हो जाएगा आपका 2/11 का परसेंटेज वैल्यू। नेक्स्ट क्या है, 3/11, 3/11 क्या हो जाएगा, 3 × 9.09, तो इसका क्या हो जाएगा, 27.27 परसेंट, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, 3/11 की परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे था 4/11, तो सिर्फ आपको सिर्फ कैसे उसी हिसाब से जैसा ही न्यूमरेटर में नंबर से उसी से मल्टीप्लाई करते जाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/11, तो हो जाएगा 4 × 9.09 परसेंट, तो हो जाएगा 36.36 परसेंट, ओके। सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करते जाना है न्यूमरेटर से, 1/11 कितना 9.09, तो हमें 4/11 करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 36.36 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, 5/11, 5/11, तो 5 × 1/11, 9.09 तो परसेंट यहाँ पे आ जाएगा 45.45 परसेंट, ये आ गई है ये 5/11 की परसेंटेज वैल्यू, 45.45, ओके। नेक्स्ट क्या है, 6/11, 6/11 की बात करते हैं, 6 × 9.09 परसेंट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 54.54 परसेंट, तो ये आपका होगा 6/11। तो परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्जन, परसेंटेज का डेसिमल में, तो ये सभी आपको बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हो, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हो, सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन, तभी इनको आप टैकल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7/11, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 7 × 9.09 परसेंट, तो कितना हो जाएगा, 63.63 परसेंट, तो ये आ गया आपका फर्क, आपका 7/11 का परसेंटेज वैल्यू है 63.63 परसेंट, ओके। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 8/11, तो यहाँ पर जाएगा 8 × 9.09 परसेंट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 72.72 परसेंट,
इनका पहचानने का भी तरीका है, सिर्फ यहाँ पे दोनों नंबर सेम टाइप के होंगे और यहाँ पे 11 का जो है तो उसमें सेम ही डेसिमल के पहले भी नंबर 72 और यहाँ पे तो डेसिमल सेम ही आएंगे, तो उसमें फ्रैक्शन में आप उसको परसेंटेज अगर फ्रैक्शन में जाना हो तो आप उसको गेस कर सकते हैं इसमें क्या इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट क्या है 9/11, तो 9 × 9.09%, तो ये कितना हो जाएगा 81.81%। ओके ये रहे आपका 11 का, यही ये सारे ज़्यादातर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके तो यहाँ देख लेते हैं कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है, ये हाँ 10/11 इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये रहे आज हम लोगों ने कवर किया डिराइव फ्रैक्शन के बारे में, इसके बाद और इसके बाद हम इसके अप्लीकेशंस देखेंगे। ओके तो आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी ऐसे ही वीडियोज़ को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।